नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलें। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और मैं आज आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आया हूँ। तो मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन के तो आप FRP पैटर्न तो रिमूव कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं कीपैड फ़ोनों में। तो फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो है कि कीपैड फ़ोनों की भी आप कोड को कैसे रिसेट कर सकते हैं। तो जिन भाइयों को पता है वो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट बहुत बड़ा रीज़न होता है कि कभी कभी हमारे जो कीपैड फ़ोन होते हैं वो कभी होते ही नहीं हैं जल्दी। तो कीपैड फ़ोन को कैसे, उसको पैटर्न को, उसके जो पिन होते हैं कैसे रिमूव करेंगे, तो चलिए देखिए। यहाँ पे एक लावा का फ़ोन है हमारे पास, जैसे कि आपको भी दिखा दें। इसमें पासवर्ड डाल के किसी यूज़र ने भूल गया है, रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है। ये एक लावा का फ़ोन है, कीपैड फ़ोन बेस में लेके चल रहा हूँ। इसमें मीडियाटेक CPU लगा हुआ है। तो मैं दो तीन वीडियो बना दूंगा कीपैड फ़ोनों पे, CPU वाइज बना दूंगा, ना कि कोई भी मॉडल वाइज, लावा और माइक्रोमैक्स जो भी आते हैं। क्योंकि कीपैड फ़ोन तो मार्केट में बहुत सारे हैं, आईटेल वगैरह के। आईटेल में ज़्यादातर उसमें स्पेक्ट्रम CPU है और इसमें है आपका मीडियाटेक CPU लगा हुआ। बस आपको CPU पता करना है, कोई सा भी कीपैड फ़ोन होगा, बहुत ही ईजिली तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम अपने लेट न करते हुए अपने PC में ले जा करके आपको बहुत ही, मतलब एक दो मिनट के अंदर ही इसकी अनलॉकिंग आपको दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए लावा का मैं मॉडल भी दिखा दूं आपको इसको, जिससे कि आपको परेशानी भी ना हो आगे। तो ये लावा का W220 मॉडल है, जो कि यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। 220 मॉडल ये लावा का है। तो इसे हम बहुत ईजी तरीके से इसके पासवर्ड को रिमूव करेंगे। मैंने एक वीडियो बना दिया क्योंकि आप ईजिली तरीके से उसको तो रिमूव कर सकते हैं, आप नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोनों के तो कर सकते हैं, बट कीपैड में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें होती होंगी। तो चलिए उसको हम आपको बहुत अच्छी तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने दिखा दिया आपको कीपैड, तो देर न करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट ही करते हैं। तो फ्रेंड, कोई भी फ़ोन आएगा मीडियाटेक, उसकी बूट की हमेशा आप बीच को दबाइएगा या स्टार या जीरो हैज करके दबाइएगा। जो भी फ़ोन होगा, मेरे पास जो भी फ़ोन है जो लावा का है, उसकी बूट की है बीच वाली, मेनू इसकी बूट की है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे आपको साइड में एक डिवाइस मैनेजर भी खोल के रख लेना है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि हमारे ड्राइवर डिटेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको हमेशा पता होना चाहिए। और मैं इसको आज हटाने वाला हूँ फ्रेंड्स CM2 से। CM2 भी आप एक ले सकते हैं कीपैड के लिए, तो बहुत ही बेस्ट डोंगल है ये कीपैड्स के लिए, जैसे कीपैड्स के सैमसंग के फ़ोन होते हैं और भी जो फ़ोन है इसमें बहुत अच्छे। ये क्या है कि अपडेट नहीं दे रहा है, बाकी बहुत अच्छा CM2 डोंगल है। इसमें इन्फिनिटी भी चलता है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं इस डोंगल्स में। तो इस डोंगल्स में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इस डोंगल से किसी भी कीपैड फ़ोन का बहुत ही ईजिली तरीके से आप इसकी अनलॉक कोड को कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, ये हमारा CM2 डोंगल्स ओपन हो चुका है। इसको हम साइड कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे CM2 का इंटरफेस खुल चुका है। आपको सर्विस में जाना है। सर्विस में जाने के बाद एक बार आप फ़ोन को चेक कर लो कि आपका फ़ोन कभी भी, जैसे आपको लगता है, डेड वेड ना हो जाए या कुछ ऐसे इशूज़ ना हो जाए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप इसमें रीड इन्फॉर्मेशन पे टिक करके और इसमें आप चेक इन्फो कर लो। अगर यहाँ पे आपका डिटेक्ट हो गया तो मतलब आपका फ़ोन 110% फॉर्मेट हो जाएगा, मतलब पैटर्न जो भी इसकी पिन होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो हम चेक इन्फॉर्मेशन पे कर दिए हैं फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम इसकी बूट की मेनू दबा करके वेटिंग फॉर फ़ोन, इसके बाद हम फ़ोन को कनेक्ट करेंगे। अब जैसे ये देखिएगा, साइड में हमारा फ़ोन कनेक्ट हो गया है। ये सारी चीज़ें देखिए कनेक्ट हो गई है। यहाँ पे देखिएगा मीडियाटेक USB पोर्ट ड्राइवर भी कनेक्ट हो गया है, मतलब यहाँ पे सारी रीड इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट हो गई है, जो कि यहाँ पे दिख गया है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे ये हो गया है, कनेक्ट हो गया, DA वेरीफाई भी हो गया, मतलब कि हमारा फ़ोन कनेक्ट हो रहा है। तो मतलब इसकी जो पिन है हम बहुत ईजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं फ्रेंड। वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा वीडियो है। चलिए, और यहाँ पे सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। FRP हटा सकते हैं, ये इसके लिए मैं कहेंगे तो आप, मैं इसके लिए परफेक्ट एक वीडियो बना दूंगा CM2 के ऊपर कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें मैं CM2 के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, बहुत अच्छा एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, आपको यहाँ पर रिसेट यूज़र कोड, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है फॉर्मेट रिसेट सेटिंग। आपको फॉर्मेट रिसेट सेटिंग करना है। अगर FRP भी होता किसी मीडियाटेक का तो भी आपको फॉर्मेट रिसेट सेटिंग करते तो आपकी FRP रिमूव हो जाती है फ्रेंड। तो चलिए, यहाँ पर हमने फॉर्मेट रिसेट
सेटिंग को कर दिया है। अब फ़ोन को फिर से अगेन एक बार कनेक्ट करते हैं, वेट फॉर फ़ोन। तो फिर से हम बूट की दवा करके फ़ोन को कनेक्ट किए फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं हमारा फ़ोन कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे हमारा जो भी इसका डाटा होगा डिलीट हो रहा है और ये ऑल डन हो चुका है फ्रेंड्स। अब हमारा ये फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा और आपको हम करके दिखाएंगे कि हमारा ये हुआ कि नहीं हुआ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो यहाँ पे पासवर्ड था, पिन था, वो बहुत ही इजीली तरीके से रिमूव हो चुका है। बहुत ही कम टाइम में हुआ, बट बहुत से लोगों का वो रहता है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छी समझ में आया हो। चलिए आपको फ़ोन भी दिखाते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा कि ऑल डन तो हो गया है, सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। अब ये फ़ोन को चालू करके देखते हैं कि हमारा जो कोड था वो रिमूव हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स। देखिए हमने फ़ोन को स्टार्ट कर दिया है, ये देखिए फ्रेंड्स हमारा मतलब फ़ोन 100% सक्सेस हो चुका है, जॉब डन हो चुका है। अब इसे हम इंग्लिश कर देंगे या फिर जो भी आपको लैंग्वेज होगा आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी फ़ोन और एकदम 110% सक्सेस हो गया है। एक बहुत बड़ा मसला कि इसमें हमारा जो कचरा, जो हमारा सिक्योरिटी होती है वो नहीं गई है, मतलब बहुत ही सेफली काम हो गया है इस टूल के माध्यम से। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।